हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ठेकुआ रेसिपी। तो ये रेसिपी को आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। खजुरिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है, यहाँ मैंने दूध लिया है, यहाँ मैंने काजू लिया है, इसको मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैंने 100 ग्राम चीनी लिया है, यहाँ मैंने नारियल पाउडर लिया है थोड़ा सा, यहाँ मैंने 50 ग्राम घी लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम काजू को हल्का क्रश करके या तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्राइंड करके डाल रही हूँ इसलिए क्योंकि ये अच्छे से उसमें मैदा में मिल जाएगा। तो ये फिर जब हम उसको खजुरिया को जब हम छानेंगे तो उसमें ये नहीं निकलेगा। ये अच्छे से इसको मैं पाउडर बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मिक्सर ग्राइंडर में रख के इसको बारीकी से मैंने पीस लिया है। मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, मैंने 250 ग्राम मैदा लिया था। इसमें मैं ये घी डाल दूंगी, ये सारे घी मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैं चीनी डाल दूंगी, उसके बाद मैंने जो नारियल पाउडर रखा था मैं वो डाल दूंगी, उसके बाद मैंने जो काजू का पाउडर बनाया था मैं वो डाल दूंगी। डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहे तो घी के जगह रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश डाल सकते हैं। मैंने पीस के डाला है, आप चाहे तो किशमिश, बादाम सबको पीस के भी डाल सकते हैं, क्योंकि पीस के डालने से ये जब हम इसको फ्राई करेंगे, ये छानेंगे, तब इसमें से जो भी ड्राई फ्रूट मैंने डाला है वो बाहर नहीं निकलेगा। और कटिंग करके डालने से इसमें से जो ड्राई फ्रूट डालेंगे वो जब मैं इसको छानूंगी तो वो निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने काजू को डाला है तो इसमें अच्छे से मैंने पीस कर ही डाला है, आप भी पीस कर ही डालें, ऐसे ये निकलेगा नहीं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी, एक बार ज्यादा करके ना डालें, याद रखें, एक बार ज्यादा करके दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा दूध डालें और थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का सा हाथ से इसको अच्छे से मिलाएं। आप दूध की जगह पानी का भी यूज कर सकते हैं, दूध ना हो तो। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जानते ही हैं आप, हमारे बिहार में ठेकुआ या खजुरिया का छठ पूजा में क्या महत्व है। तो आप ऐसे करके बनाए, पूजा के लिए भी आप बनाए ऐसे करके, या आप खाने के लिए बनाए, कैसे किसी भी चीज़ के लिए बनाए, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। मैं हल्का हल्का सा दूध डाल के इसको मिलाऊंगी, एक बार ज्यादा ना डाले नहीं तो फिर ये गीला हो जाएगा, हल्का हल्का सा ही डाले। इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका कैसा भी साइज कर सकते हैं। ऐसे करके मैं सारे को तैयार कर लूंगी। आप चाहे तो इसका लड्डू जैसा साइज या फिर लंबा साइज, गोल साइज, लंबा साइज, कोई सा भी आप साइज कर सकते हैं। देखिए ऐसे करके मैं सारे को तैयार कर लूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे को लड्डू जैसा बना के तैयार कर लिया है। देखिए अब मैं इसको, आप चाहे तो आपके पास सांचा ना हो, जो ठेकुआ को जो ठोका जाता है, खजुरिया का जो ठोका जाता है, तो आप चाहे तो हथेली से भी इस तरह करके आप दबा सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास है इसलिए मैं इसका ही यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इसको डाल के इसको अच्छे से मैं इसको दबा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके देखिए कितना अच्छा मेरा डिजाइन निकल के आया है। ऐसे करके मैं सारे को तैयार कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे को तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको तेल में छानूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। मैं छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल के देखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं एक एक खजुरिया को इसमें डाल दूंगी, ऐसे करके मैंने सारे को एक एक करके, मैं जितना
इसमें हो पाया, मैं उतना डाल दी हूँ। देखिए ऐसे करके मैं इसको बना लूंगी। ये हमारा बहुत ही, इसमें से कुछ हमारा निकलेगा नहीं, मैंने क्योंकि मिक्सर में ग्राइंड करके काजू डाला था, अच्छे से हमारा पक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हल्का सा और होगा, मैं इसको एक बार और पलट देती हूँ। इसको गैस एकदम कम करके ही पकाएं, ज़्यादा गैस पर तेज ना करें, नहीं तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं, इसलिए एकदम गैस को मीडियम में ही रखें। आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन तेज ना करें गैस को। ये हमारे बिहार में जो छठ पूजा होता है उसका खास प्रसाद है, ये बहुत ही छठ पूजा में बहुत ही मायने रखता है, ठेकुआ खजुरिया आप जो भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये, आप ऐसे भी घर में खाने के लिए बना सकते हैं। ये हमारा खजुरिया तैयार हो गया है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं सारे को ऐसे करके निकाल लूंगी। ऐसे ही करके मैं सारे को तैयार कर लूंगी। गैस को कम ही रखने दे, तेज ना करे, नहीं तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स ऐसे करके मैं सारे को तैयार कर लूंगी। इसको मैं थोड़ा सा तेल को हिला देती हूँ, ऐसे ही हमारा नीचे से पकड़ेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। देखिए फ्रेंड्स ऐसे करके मैंने सारे को तैयार कर लिए हैं। अब मैं सबको निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे ठेकुआ यानी खजुरिया को मैंने तैयार कर लिए हैं। देखिए कितना खस्ता है ये, कि अभी हाथ में ही टूट रहा है। आप ऐसे करके तैयार कर लें, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये।